प्रीवियस वीडियो में मैंने एक यूपीएस के बारे में डिस्कस किया था। यूपीएस जो है 1100 बीए का एपीसी यूपीएस काफ़ी अच्छा यूपीएस है, और मैंने इस प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स टैकल किए, उनके जवाब दिए, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब आप कमेंट करते हो और आपकी हेल्प होती है। तो और इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने एक लो एंड पीसी से लेकर के हाई एंड पीसी तक के यूपीएस को कैसे चूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है। आई होप कि वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो उस वीडियो के बाद यार मुझे ऐसा लगा कि आप लोग एपीसी 1100 वीए जो ये यूपीएस है, इस पर्टिकुलर यूपीएस में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मैंने सोचा इस क्यों नहीं इस यूपीएस को आपके सामने अनबॉक्स किया जाए और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स बताया जाए जिससे आप मैनेज कर सकते हो, अपनी यूपीएस को ख़राब होने से बचा सकते हो, और साथ ही साथ उसको कैसे चार्ज करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे टेक केयर करना है, वो भी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यार ये ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूपीएस लेना चाहते हैं या फिर इस पर्टिकुलर यूपीएस को परचेस कर चुके हैं। तो यार सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो पर्टिकुलर यूपीएस है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ आता है, बहुत ही अच्छा लुक है, इसमें डबल बैटरी होती है, 1100 वीए यानी 660 वॉट के करीब इसकी कैपेसिटी है। इसके पीछे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी प्लग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सामने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा फिनिशिंग टच दिया हुआ है। पीछे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे जो लास्ट वाला सर्ज वल्ली है, इसमें आपको नहीं लगाना है क्योंकि सर्ज वल्ली जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लैक्चुएशन है उससे तो बचा देगा लेकिन बैकअप नहीं देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार प्लग्स हैं इसमें आपको बैटरी बैकअप और सर्ज प्रोटेक्शन भी मिलता है साथ में। तो आपको जो भी कंप्यूटर के मैनुअल प्लग्स जो आपको इसमें इंस्टॉल करने वो पीछे ही करने हैं। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो बैटरी लगाई गई है 7.2 mAh की। सो ये जो AH की बैटरी है वो दो है इसमें, तो ये बड़ा है। ऑब्वियसली ये एडिटिंग और गेमिंग पीसी में यूज़ होता है, इसलिए मैंने बोला आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको अभी तक यूपीएस चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यूपीएस चूज़ करने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो यार यूपीएस आ गया है हम लोग के सामने और फटाफट से हम कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देख लेते हैं अनबॉक्सिंग में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं नाइफ़ नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कैंची से अनबॉक्स कर रहा हूँ। डब्बे को हम खोल लेते हैं। डब्बे के बाहरी पोर्शन पे आप देखोगे एक जो ये पेपर जैसे है वो बस प्रिंटिंग है, वहाँ पे मैनुअल और टैक्सेस वगैरह और प्राइस दिया हुआ है। इसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आप इसको चेक कर सकते हो ऑनलाइन। उस फर्स्ट वीडियो मैंने उसका लिंक दिया हुआ और इस वीडियो के नीचे भी मैं इसका परचेस लिंक दे दूंगा। देखो इसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिसको आप पढ़ सकते हो, यूज़र मैनुअल, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कैरी करके आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यूपीएस के साथ मिलती हैं, उन चीज़ों को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार देखो बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे एक थर्माकोल है जो नीचे डाला हुआ है सेफ्टी के लिए, इसको भी हटा देते हैं। अब पूरा बॉक्स खाली हो चुका है आप देख सकते हो। अब उसके बाद हम इस प्लास्टिक को भी निकाल देते हैं जिससे हमारे यूपीएस बाहर आ सके। तो फटाफट से इसको भी हम कर लेते हैं अनबॉक्स या फिर कर लेते हैं इसको भी हम कट। तो चलिए बॉक्स को साइड में रखते हैं और फटाफट से इसको भी हम कर लेते हैं कट यहाँ पे कैंची से। ये देखिए प्राइस टैग अगेन मिल गया। यहाँ पे प्राइस टैग होती है, जीएसटी होती है, टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके एक बना होता है। ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी इसकी प्रिंटिंग जो है हल्की है। तो अब कर लेते हैं हम यूपीएस को बाहर प्लास्टिक से। ये देखिए हमारे यूपीएस जो है कि बाहर आ चुका है, देखने में ये काफ़ी सही है और थोड़ा हैवी है क्योंकि इसमें आफ्टर ऑल दो बैटरी लगी हुई थी है तो थोड़ा हैवी तो होता ही है। और इस तरीके से इसका लुक है, काफ़ी हैवी है तो इसको आपको अच्छे से कैरी करना है रखते समय या उठाते समय। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि होने वाला है कैसे हम यूपीएस को टैकल करें, कैसे हम उसको मैनेज करें, कैसे हम उसको चार्ज करें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको बता सकता हूँ, अगर आपके यूपीएस आपने लिया है और उसको आप अनबॉक्स कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि उस यूपीएस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत सर्विस सेंटर कंप्लेन करें और उसमें अपने यूपीएस का रजिस्टर कराएं। उस पर उसमें आपको यूपीएस के कुछ प्रोडक्ट आईडी वगैरह मांगी जाती है या फिर पूछा जाता है आप कहाँ से परचेस किए, तो आप अमेज़ोन पे बता सकते हो उसकी ऑर्डर आईडी वगैरह। तो बहुत ईजी है, 2 मिनट लगेगा आपको, उसमें आप पूछ सकते हो अगर आपके यूपीएस में ऑन होने में या कोई प्रॉब्लम हो रही है। सामने दो तरीके के बटन होते हैं, ग्रीन एंड रेड। बस ग्रीन जो है वो चार्जिंग का देता है और ऑन का देता है,
इंडिकेट, और रेड अगर आ गया तो समझो बस एक ही प्रॉब्लम है, बैटरी रिप्लेसमेंट, बैटरी में इशू है, यानी बैकअप आपकी यूपीएस नहीं दे सकता। सेकंड थिंग जो है वो है चार्जिंग का, चार्जिंग आपको कैसे करनी है। तो देखिए, अगर आप यूपीएस को यूज़ करो या यूपीएस को यूज़ ना करो, आप लिए हो बैटरी की चीज़ें, आप जानते हो बैटरी की चीज़ आपको चार्ज करनी ही पड़ती है, चाहे आपका फ़ोन हो या फिर यूपीएस, आपको यूज़ करना है, चलेगा तो उसको आप चार्ज करना ही करना है। तो बैटरी को कम से कम 2 से 3 घंटे आप चार्ज करो। जितने, एक सिंपल सा फंडा है, जितने देर तक आप अपने यूपीएस को यूज़ कर रहे हो, मतलब जितने देर आप कंप्यूटर को चला रहे हो, उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा आप यूपीएस को चार्ज करो। सपोज़ कि मैं 4 घंटे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 6 घंटे अपने यूपीएस को डेली चार्ज करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी बंद करके या फिर अपने घर से बाहर कभी चले गए और आपका यूपीएस और कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है, तो जब भी आप रिटर्न आओ कम से कम 6 से 7 घंटे उसको चार्ज कर लो, उसके बाद तो यूपीएस को ऑन करके कंप्यूटर चलाओ, उसका यूज़ करो, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे उसको यूज़ कर लो प्रॉपरली, क्योंकि अगर जब आप यूज़ करोगे लाइट चली जाएगी तो यूपीएस आपका कई दिन से बंद पड़ा हुआ था तो वो बैकअप नहीं दे पाएगा सडन, तो उस पर बैटरी पे भी वो पड़ेगी, जोर पड़ेगी, बैटरी को भी दिक्कत होगी और बैटरी उतना बैकअप दे नहीं पाएगी। तो बैटरी को भी आपको देखना है, तो बैटरी को आपको चार्ज करना है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी और इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर भी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, और 1000 सब्सक्राइबर अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए, तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में प्लीज़ हेल्प करें, ताकि मैं अपनी फेस कैम वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं।